गन्ने के संबंध में नई जानकारी के साथ आप सभी का स्वागत है। गन्ने में जो दो प्रजातियां हैं इस समय COS 13235, 14201, जिसका कंपेरिजन हमने कल भी एक वीडियो के माध्यम से किया था और आज दोबारा कर रहे हैं। हमारे किसान मनोज सिंह, इनका प्लांट मैंने बिल्कुल जब इसकी प्लांटिंग हुई थी तब भी वीडियो आपको बनाया है और बीच में इसका वीडियो भी डाला गया। और इस समय हमारा उद्देश्य यह है किसान भाई इसको हर स्टेज पर इस क्रॉप को देख सकते हैं और उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वैरायटी की ग्रोथ कैसी है। COS 13235 की लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई इस वैरायटी की बहुत अच्छी है। अगर हम पुरानी वैरायटी CO238 से कंपेयर करते हैं या 118 से कंपेयर करते हैं, 98014 से कंपेयर करते हैं, तो लंबाई उनसे कम नहीं है बल्कि मैं कह सकता हूँ कि ज़्यादा है। अगर दो तीन बातें इसकी घटा दी जाएँ जैसे कि स्प्राउटिंग होती है इस वैरायटी में, लेकिन अगर आप सीधा गन्ने को बांधेंगे और पत्ती नहीं निकालेंगे तो स्प्राउटिंग कम होगी। अगर डायमेंशन आपका गन्ना टॉप कम हुआ है तो स्प्राउटिंग कम होगी, रूटिंग कम होगी, जैसा कि इस प्लाट में दिखाई पड़ रहा है। इसमें स्प्राउटिंग भी नहीं है और रूटिंग भी 13235 में नहीं हुई है। इसमें यूरिया का प्रयोग काफ़ी कम किया गया है। हाँ, सिंचाई की गई है इस प्लाट की जिसके कारण इसकी ग्रोथ अच्छी है। जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन थी उस समय इसकी बहुत अच्छी तरीके से इरिगेशन का प्रोविज़न किया गया जिसके कारण इसकी लंबाई अच्छी है। और NPK का स्प्रे किया गया है, सागरिका डाली गई है और इसके साथ साथ में जो नैन यूरिया है इसका भी स्प्रे किया गया है। लंबाई बहुत अच्छी है, केवल स्प्राउटिंग अगर इस वैरायटी में ना हो। और लॉजिंग के लिए यहाँ पर आपने देखा काफ़ी इस बार हवाएं चली थी और बारिश हुई है, इसकी बधाई 4 बार की गई है, इसके बाद इस वैरायटी को रोका जा सकता है। अब जो दूसरी वैरायटी जिससे हम इसको कंपेयर करना चाहते हैं उसका हम जो वीडियो है इसके आगे आपको दिखाएंगे, उसकी लंबाई कम है। इस वैरायटी की अपेक्षा अगर देखें तो लंबाई कम है और गन्ने की मोटाई कम है, लेकिन जर्मिनेशन बहुत अच्छा है और टिलरिंग बहुत अच्छी है 14201 की। और जो एक खास बात उस वैरायटी की, लॉजिंग कम होती है। एक और एडिशन है उस वैरायटी के अंदर कि डिजीज़ और पेस्ट यानी कीड़े और बीमारी दोनों का आपतन उस वैरायटी में कम है। लेकिन उस वैरायटी के लिए जो खास पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है कि आप जो फर्टिलाइजर का प्रोविजन है, बैलेंस न्यूट्रिशन का प्रोविजन करें, ये देखिए यहाँ पर हमने COL के 14201 दिखाया है। ये चूँकि एक ही किसान के खेत में एक ही समय में इनको प्लांटिंग की गई है तो ऐसी दशा में आप देख सकते हैं कि काफ़ी इनका जो गन्ना है 14201 का भी अच्छा है, लेकिन लंबाई इस वैरायटी की उसके बराबर नहीं है। और रेटून अच्छी हो सकती है, वाटर लॉग्ड एरिया में ये वैरायटी हो सकती है। किस समय मेरा जो सजेशन है कि आप दोनों वैरायटी लगा सकते हैं, 13235 लगा सकते हैं और साथ में 14201 लगा सकते हैं। इसके आप एरिया को डिवाइड कर सकते हैं। अगर आपका वाटर स्ट्रेस कंडीशन है और वाटर लॉग्ड एरिया है तो उसमें आप 14201 लगाएं, बहुत अच्छा है। 80% इसको लगा सकते हैं, 15-20% आप 13235 को लगा सकते हैं। और जहाँ पर आपकी ऐसी कंडीशन है जहाँ लॉजिंग नहीं होती है और एक अच्छी सॉयल इस प्रकार की है जिसमें ये संभावना है कि गन्ने में जो स्प्राउटिंग है वो नहीं होगी, तो वहाँ पर आप 13235 को भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, अगर मार्च में प्लांटिंग करते हैं उसके लिए 13235 काफ़ी अच्छी है, और अगर हम अभी प्लांटिंग कर रहे हैं तो इसके लिए 14201 बहुत अच्छी है। यानी अभी जो गन्ना आपको लगाना है 14201 से लगा सकते हैं ताकि इसको ग्रोथ का, लंबाई बढ़ने का एक टाइम मिल जाए और ये वैरायटी जो इसका पूरा पोटेंशियल है उसकी यील्ड आपको प्राप्त हो सके। 14201 का जो गुड़ होता है गोल्डन कलर का होता है जिसकी मार्केट वैल्यू है, जो जूस का कलर है वो वाइट है जिसके कारण इसकी मार्केट वैल्यू अन्य वैरायटियों की तुलना में अच्छी है। हाँ, ऑटो डिटेचिंग क्वालिटी 13235 में अच्छी है, थोड़ी सी पत्तियाँ चिपकी रहती हैं और बैक्स थोड़ा सा पाया जाता है 14201 में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।